Hello, munchkins, welcome back to the channel. My name is Oshan, your very own English master teacher और बच्चा पार्टी आज हम करने वाले हैं सेशन डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में. आप सबको पता होगा कि आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आना गारंटीड है. तो क्या टिप्स और ट्रिक्स होनी चाहिए, कैसे आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं, हाउ कैन यू स्कोर फुल मार्क्स इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ये सब कुछ आज हम इसी सेशन में कवर करने वाले हैं. एंड मेक श्योर दैट यू वॉच दिस सेशन अंटिल द वेरी एंड, बिकॉज लास्ट में कुछ आपको ऐसे सीक्रेट टिप्स बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आप गारंटीड इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो. सो बच्चा पार्टी इंतजार किस बात का है, मेक श्योर कि आपने वीडियो को लाइक जरूर कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखनी है. एंड चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन. तो आज के सेशन में बच्चा पार्टी हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, व्हाट इज गोना बी द फ्लो ऑफ टुडेज सेशन, इट इज समथिंग लाइक दैट. ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता क्या है, क्या फॉर्मेट होते हैं, हाउ यू नो व्हाट आर द टिप्स यू नीड टू स्कोर फुल मार्क्स इन इट. देन उसके बाद हम लोग एक पर्सन, प्लेस, इवेंट तीनों के डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का एग्जांपल करने वाले हैं, सो दैट आपके पास इन तीनों टाइप्स में से कोई भी टाइप क्यों ना एग्जाम में आ जाए, आई वॉन्ट यू टू स्कोर फुल मार्क्स इन इट. तो सारे के सारे टाइप्स आपको आज इसी वीडियो में पता चलने वाले हैं. गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई ऑल्सो हैव अ होप अ क्वेश्चन इन स्टोर फॉर यू, जिसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी एंड इसका आपको आंसर भी ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, सो दैट आई कैन पिक योर नेम्स फ्रॉम देयर फॉर होमवर्क होम रनर्स. तो अगर आपको भी अपना नेम ना इसी स्क्रीन पर देखना है तो मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो. एंड बच्चा पार्टी, ये हमारे इस हफ्ते का स्केड्यूल है जो अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं. तो कल हम लोगों ने वीआईपी सीरीज करी थी द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री पर, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं, गो चेक आउट दैट वीडियो राइट नाउ. उसके बाद हम लोगों ने ये भी डिस्कस करा था हाउ यू कैन अवॉइड डिस्ट्रैक्शन एंड कैसे आप अपना कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई में ज्यादा बना सकते हो. अभी हम डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ करने वाले हैं. उसके बाद परसों मैं आपके पास आ रही हूँ वन शॉट ऑन मॉडल्स लेकर, यानी मॉडल्स के सारे रूल्स सब कुछ हम लोग 20 मिनट के अंदर अंदर डिस्कस करेंगे ताकि आप इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सको. उसके बाद आई विल बी कमिंग विद यू नो 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज फ्रॉम डिटर्मिनर्स एंड वी विल एंड दिस वीक विद अ बैंग ऑन हाउ टू इंप्रूव योर राइटिंग. तो बच्चा पार्टी सारे के सारे सेशन धमाकेदार हैं, तो किसी भी सेशन को मिस आउट नहीं करना. तो उसके लिए क्या करना है, जो आपका सब्सक्राइब वाला आइकन है ना उसके बगल में एक बेल बटन भी है उसको दबा दीजिए ताकि आपको एक रेगुलर रिमाइंडर्स मिलते रहे, या फिर अगर आप उतने उसके बाद भी भुलक्कड़ हैं तो भाई कोई बात नहीं, हमारे टेलीग्राम चैनल कम्युनिटी किसके लिए है जहां पे हम आपको रेगुलर रिमाइंडर्स देते रहते हैं, प्यारे प्यारे बीटीएस देते हैं और साथ ही साथ मीम्स और बहुत सारे पीडीएफ और नोट्स भी शेयर करते हैं. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, द लिंक इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो अहेड जॉइन आवर कम्युनिटी ओवर देयर. And bacha padi, if you would like to reach out to me personally, then this is my Instagram handle. Feel free to ping me over there as well. So moving on, kids, let me tell you. आपके जो सारे के सारे टीचर्स हैं ना, दे हैव क्रिएटेड इंडिविजुअल शॉर्ट्स चैनल्स फॉर यू, जहां पर हर हफ्ते वो ऐसी वीडियोस डाल रहे हैं जिससे within 60 seconds you can complete your entire syllabus. Isn't it amazing? Oh my god. So what are you waiting for? All the links are present in the description box. Go ahead, subscribe to those channels, show some love, and now let's come to a quick dose of motivation. And uske baad koi bakwas nahi, I promise we are gonna get straight into the video. All right bachcho mari, to aaj ka dose of motivation kya kehta hai, to succeed in life you need 3 things: a wishbone, a backbone and a funny bone. एक तो आपके अंदर होनी चाहिए wishbone, ठीक है, कोई wish करो कि आपको क्या करना है, जैसे कि फिलहाल आपको descriptive paragraph और English exam में अच्छे marks score करने हैं. उसके बाद एक backbone, यानी चाहे कोई भी problems क्यों ना आ जाए आप उस backbone पर खड़े रहो. And lastly a funny bone, because life is gonna give you lemons no matter what. Life में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चन तो जरूर आएगी, but you need to take it with a funny twist, ठीक है, तो एक अच्छे तरीके से लो से, take all the setbacks in a good manner and move on. And now let's move on to the homework home runners. Let's appreciate वो वाले बच्चे जो diligently अपना हर बार homework करके जाते हैं comment section में. तो हमारे homework home runners कुछ ये रहे: Shibal, Nishi, Ikra, Avantika, Himesh and Gaurav. Congratulations guys. So if you also want to see your name something like this on the screen, you know the drill. Watch the video until the very end. Complete the homework question in the comment section and I'll pick your name from there. I promise. All right, bacha badi. So let's understand first of all ki descriptive paragraph hota kya hai aur usme aapko number kis baat ke milte hain. To aapko pata hoga ki 5 marks ka ye total aapke paas section B writing section mein zarur aata hi aata hai. Theek hai, jiske andar se 4 marks aapko milte hain content ke, yani aapne uspe kya kya likha hai, kaun se points include kare hain. Wahi
one marks is given to you for expression, यानी कि how beautifully you have expressed that content, उस content को आपने कितने अच्छे तरीके से लिखा है, ठीक है? एक तो होता है कि you know I went to the market, which is a very simple sentence to say, but वहीं अगर आप इस चीज को घुमा फिरा कर और beautiful तरीके से represent कर सकते हो, जो कि आपकी vocabulary और आपके knowledge दोनों को represent करे, तो वहाँ पर उसके लिए आपको दिया जाता है expression का one marks. तो this comprises of total 5 marks, ठीक है? ये CBSE ने ही आपकी marking scheme बताई है. अगर आपको कुछ भी यकीन नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, चेक कर सकते हो. ऑलराइट, तो अब हमें पता चल गया कि ये 5 नंबर हमें किस किस चीज के मिलने हैं. अब हमें ये जानना है कि इस डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में लिखना क्या होता है. सो एज द नेम सजेस्ट, ठीक है, यू हैव टू डिस्क्राइब समथिंग. नाउ इट कुड बी अ पर्सन, इट कुड बी अ प्लेस, इट कुड बी एन इवेंट एज वेल. ठीक है, आपको कोई पर्सन डिस्क्राइब करने के लिए बोल सकते हैं, आपको कोई जगह डिस्क्राइब करने के लिए बोल सकते हैं विच यू हैव विजिटेड और विच यू लाइक, और हो सकता है उससे रिलेटेड आपको क्लूज दे दिए जाए. साथ ही साथ कोई इवेंट भी हो सकता है, इट कुड बी योर एनुअल डे फंक्शन, इट कुड बी अ birthday party, it could be a fair that you visited, it could be a movie outing or anything, theek hai? And sometimes let me tell you, there are clues given to you, theek hai? Agar aapko koi famous personality de di hai, theek hai, aapko aise historical event ke bare mein bataya gaya hai jiske bare mein ho sakta hai har bachche ko knowledge na ho, so us scenario mein you could be given some hints, you could be given some clues jiske basis par aapko wo descriptive paragraph likhna hoga. However, do not rely on hints all the time. Agar kuch aise cheez hai jisme आप अपनी इमेजिनेशन को यूज कर सकते हो, सो वहां पर हिंट्स नहीं भी दिए जा सकते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट, बाय डिस्क्राइबिंग देम वी मेक अ स्केच ऑफ वर्ड्स सो दैट द रीडर इज एबल टू गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ द डीप डिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट. ठीक है, तो आपको वो डिस्क्रिप्शन इस तरीके से लिखना है कि जो आपका रीडर, इस केस में आपका एग्जामिनर है, उसे पढ़कर अच्छे से इमेजिन कर सके कि आप किस जगह, किस इवेंट या किस पर्सन की बात कर रहे हो. सो यू हैव टू यूज अ लॉट ऑफ इमेजरी. ठीक है, ऐसे वर्ड्स यूज करो जो कि उस पर्सन को अपने दिमाग में उस इमेज को बनाने में हेल्प करे. Next, in order to write a descriptive paragraph, study the topic closely. Make a list of all the details and organize those details into logical structure. Do not begin as soon as you see the topic. जैसे ही आपको अपना टॉपिक दिखता है कि ओके, इसमें मुझे अपना डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है, वो पढ़ते ही प्लीज अपना क्वेश्चन स्टार्ट मत कर देना. टेक अ पॉज, टेक अ 2 मिनट ब्रीदर, जहां पे आप सोचो कि आप क्या क्या पॉइंट्स उसमें इंक्लूड कर सकते हो और किस लॉजिकल स्ट्रक्चर में इंक्लूड करोगे, मतलब कैसे स्टार्टिंग करोगे, बॉडी में क्या क्या लिखोगे, कंक्लूजन कैसे दोगे. एवरीथिंग शुड बी इन अ प्रॉपर मैनर सो दैट आप कहीं पर भी मार्क्स लूज आउट ना करो. बच्चे यूजुअली डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ एकदम से स्टार्ट कर देते हैं टॉपिक पढ़ते ही, उसके बाद ठीक है वो बहुत बार बीच में अटकते हैं, काटा फीटी करते हैं, एंड दे लूज आउट मार्क्स इवेंचुअली. सो डोंट मेक दैट मिस्टेक. ठीक है, व्हेनेवर यू रीड द टॉपिक, टेक एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स ताकि आप सारे पॉइंट्स अपने दिमाग में बना सको या अपनी आंसर शीट में रफ कॉर्नर में लिख लो और वहां से फिर अपना डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ स्टार्ट करो. ऑलराइट, मूविंग ऑन. ठीक है, अब आपके डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का फॉर्मेट क्या होना चाहिए. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. Your descriptive paragraph should always have an introduction. कि आप उसकी beginning कैसे कर रहे हो. Make sure that the beginning is really interesting. Make sure that the beginning is something that grasps the examiner's attention. Because अगर आपने अच्छे words, अच्छे quotes का इस्तेमाल करा है, अच्छी language का इस्तेमाल करा है अपने introduction में, then obviously the examiner is going to want to read what is written ahead and is going to give you some extra edge while giving the marks. Next, बॉडी आनी चाहिए. मिडिल में आप क्या क्या लिखना चाह रहे हो, कैसे डिस्क्राइब करते हो उसको. ठीक है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द प्लेस, यू नो व्हाट आर द यू नो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन, व्हाट आर द यू नो थिंग्स दैट हैपन ड्यूरिंग एन इवेंट, एनीथिंग दैट यू वांट टू लिस्ट डाउन. देन उसके बाद आपको एक प्रॉपर कंक्लूजन देना होता है अपने डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ को. ठीक है, वहां पर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उस इवेंट का, आपको वो जगह कैसी लगी, हाउ यू फाइंड दैट पर्सन, वेदर ही और शी इज वेरी इंस्पायरिंग फॉर यू, और व्हाट इंपैक्ट इट हैज he or she has on your life. ऐसी चीजें लिखकर अपने पूरे पैराग्राफ को कंक्लूड कर दो एंड दैट्स इट. इट्स एज सिंपल एज दैट. मूविंग अहेड, ठीक है, नाउ लेट्स सी, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ की कैटेगरी लिख रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें मेंशन करनी चाहिए. सो व्हेन इट कम्स टू डिस्क्राइबिंग पीपल और डिस्क्राइबिंग डिफरेंट पर्संस, दीज आर थिंग्स दैट यू कैन डेफिनेटली मेंशन. Mention their height, tall, short, medium, कैसी height है उनकी, build कैसा है, whether they are strong, whether they are thin, whether they are fat, whether they are sturdy. These are some adjective वाले words that you can use to describe them. Let me tell you, हमने ऐसे words यहाँ पर use करे, ऐसे यहाँ पे pointers include करे हैं जो कि actually आपके examiner को उसे imagine करने में, picture बनाने में अपनी mind में help करेगा.
अगेन विच इज गोना हेल्प यू इन गेनिंग मार्क्स. नेक्स्ट कॉम्प्लेक्शन कैसा है उस इंसान का, वेदर इट्स डार्क, वेदर इट्स फेयर, वेदर इट्स फेयर. नेक्स्ट और कौन सी फीचर्स हैं, यू कैन टेल इफ द पर्सन हैज अ बियर्ड और अ मस्टैश, इफ इज अ गाय, या फिर उसके आईब्रोज कैसे हैं, बुशी या फिर थिन, उसका फेस कैसा है, वेदर इट्स अ ओवल फेस और इज इट अ लॉन्ग फेस, ठीक है, और या फिर उसके आईज बहुत प्यारी है, ही और शी हैज अ वेरी शार्प नोज, द फिंगर्स अ वेरी स्लेंडर, एनीथिंग यू कैन मेंशन. अपीयरेंस कैसा है, गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, स्मार्ट, handsome, not looking good, you know, something like this, ठीक है, जैसा आपको उनकी उन्हें appearance के बारे में आपको देखकर feel हो, what are the emotions, ठीक है, जो आपके अंदर आते हैं या किसी और के अंदर आएंगे as soon as they look at their face or personality. फिर बाकी qualities कैसी है, whether they are hardworking or sincere or lazy, laid back, diligent, selfish, soft spoken, kind, ये ऐसी चीजें हैं जो कि आप उस person को describe करते हुए definitely बता सकते हो. Next, coming to the point, if you are describing places, अगर आपको किसी जगह को describe करने के लिए बोला है, तो definitely you are going to mention the name of the place. Location क्या है उस place की, वो जगह कहाँ पर located है, किस state में है, किस country में है, history of the place, अगर कुछ specific है वहाँ की जगह के बारे में, ठीक है, if you are talking about Rajasthan, you could simply mention कि वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े castles हैं, ठीक है, राजाओं की कितनी history है. A lot of, you know, cultural, you know, history you can find over there. Atmosphere of the place, kaisa wahan ka atmosphere hai? Whether it's a city place, to wahan pe bahut zyada hustle bustle hai. Whether it's a village, whether it's countryside, to wahan pe bahut ek peaceful or serene atmosphere aapko experience karne ko milega. Whether it's a concrete jungle, jahan pe bahut sare buildings hi buildings hai. Ya phir it's a place, jahan pe nature ka bahut pyara touch hai. What is special about the place? Now, the special could be, you know, any specific places that you would like to visit. Special could be, you know, wahan ka food, wahan ka cuisine. Special could be wahan ke logon ka culture, wahan ka nature. Anything special jo us jagah ko thoda sa, you know, alag banata hai, acha banata hai. Next, your interest in the place, theek hai, aapko us jagah mein interest kyun hai, what you find really attractive about the place, theek hai, kya cheez aapko bahut zyada achhi lagi when you visited it. And next, theek hai, last, ye aap apne conclusion mein mention karoge whether you would like to recommend this place to others or not, ठीक है, if it's a place worth visiting or not, or would you like to visit it again or not, ऐसी चीजें आप अपने conclusion में mention कर सकते हो while you're describing a place. Last, when you are describing an event, ठीक है, obviously you're going to mention उस event का नाम क्या है, you're going to give other details about the event, यानी event कब हुआ था, किस time पर start हुआ, what happened during the event, who people were involved in the event, why was the event so important, last उसके बाद conclusion में you can mention if you enjoyed that event or not, ठीक है, या फिर वो एक ऐसा event है जो बार बार अगर अक्कर होता है, तो if you're looking forward to, you know, attending that event once again or not, ठीक है, ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो. डेकोरेशंस कैसी थी, जिस जगह पर इवेंट हुआ वो कैसा था, व्हाट वाज द एनर्जी ऑफ द ऑडियंस ऑफ पीपल हु वर अटेंडिंग दैट इवेंट, हु वर द चीफ गेस्ट प्रेजेंट इन द इवेंट, अगर कोई कल्चरल फंक्शंस हुए हैं तो क्या क्या चीजें हुई थी, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, हु डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइस, इफ यू गॉट एनी प्राइस और नॉट, ये सारी की सारी चीजें आपको एक इवेंट के लिए मेंशन करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो आई बिलीव अभी तक आपको एक फेयर आइडिया हो चुका है कि अगर आपके पास किसी भी टाइप का डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्यों ना आए तो आपको उसे लिखना कैसे है, ठीक है. नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम ऑफ दीज डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स, हर एक टाइप का हम एक एक एग्जाम्पल से यू नो अटेम्प्ट करेंगे, अबाउट अ प्लेस, अबाउट एन इवेंट, अबाउट अ पर्सन, एंड वी विल देन अंडरस्टैंड कि एग्जाम में फिर आपने कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो. ऑलराइट, सो हियर्स द क्वेश्चन नंबर वन फॉर यू गाइस, रीड द बायोग्राफिकल डिटेल्स ऑफ फेमस तमिल राइटर बामा एंड राइट अ बायो स्केच ऑन वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिटेल्स, ठीक है. तो आपको एक तमिल राइटर के बारे में यानी पर्सन से रिलेटेड आपको एक पूरा पैराग्राफ लिखना है. अब यहाँ पर क्योंकि हो सकता है कि उन तमिल राइटर के बारे में सब बच्चों को ना पता हो, ऑलरेडी हिंट गिवन है, ठीक है. इफ इट्स समथिंग व्हिच इज वेरी सब्जेक्टिव, इट कुड बी योर ग्रैंडमदर, इट कुड बी यू नो योर बेस्ट फ्रेंड समथिंग लाइक दैट, तो वहां पर ये हिंट्स नहीं दिए होते, तो आपको अपने हिसाब से करना और फिर आप उन हिंट्स को यूज करोगे जो कि अभी हमने डिस्कस करे थे. बट सिंस एवरीथिंग इज ऑलरेडी बीन लिस्टेड अस यू नो हियर फॉर अस, हम यहीं पे से पॉइंट्स उठाएंगे एंड वी विल फ्रेम सेंटेंसेस अकॉर्डिंगली. सो बामा जी के बारे में मैं क्या बताया, दैट ही वाज बोर्न इन 1958 एंड डेफिनेटली ही वाज अ वेरी क्रिएटिव तमिल राइटर, ठीक है, एंड शी वाज अ वुमन राइटर.
and who was a committed teacher, social activist as well. And she was popularly known as Karuku Barna. ठीक है, तो उनके बारे में हमें काफी कुछ information मिल गई है. You know कि on top of being a teacher, besides being a writer, she was a teacher, she was a social activist, and she was popularly known as Karuku Barna. फिर उन्होंने कौन सी novels लिखी है? Karuku, Sangiti, Vannaman, and they were translated into other Indian languages, English and French as well. तो उनके हम कुछ famous वो लिखेंगे कि works क्या-क्या रहे हैं, and these works they have also been translated to other, you know, Indian languages along with English and French. फिर उसके बाद, she wrote 20 short stories. Honorary doctorate degree भी है उनके पास, and she was invited by a lot of universities in India and abroad, maybe to speak over there, ठीक है, maybe to give a piece of her mind about her write-ups. Next, and she has a keen eye for beauty in nature, यानी वो natural चीजों के बारे में काफी ज्यादा लिखती है, and since she is a social activist, तो वो women से related, you know, वो discrimination वगैरह की चीजों से भी related भी लिखती होंगी definitely, तो ये चीजें भी आप mention कर सकते हैं. Alright, now let's have a look at the descriptive paragraph. Bama, popularly known as Karuku Barna, was born in 1958. ठीक है, उनका birth कब हुआ? उनको हम किस नाम से जानते हैं? बता दिया. Also, we gave it a proper title. तो एक appropriate title भी दे देना हमेशा अपने descriptive paragraph को. जैसे यहाँ पर हमने दिए Bama, the creative writer. She's a Tamilian woman writer, a committed teacher, and a social activist. देखो सारे के सारे points हम hint से ही उठा रहे हैं. She goes by the pen name Faustina Mary Fatima Rani. Now this is something कि हमने additionally लिखा है. However, since this was not mentioned in the hints, तो you can skip on it because हो सकता है हर बच्चे को वो चीज ना पता हो. She is a prolific writer, यानी जिन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हो. ठीक है, तो ऐसे adjectives हैं जो आपको यू नो हेल्प कर सकते हैं. They can make your work stand out. Next, she has written many novels, including Karuku, Sangati, and Vannaman, which have been translated into other Indian languages, English and French. Again, ये पूरी की पूरी चीज़ हमें given. Moreover, she has written 20 short stories, which have not been published in the booking form. ये हमें नहीं पता था कि booking form में published है या नहीं. She holds an honorary doctorate degree and has won the Crossword Award for her semi-functional autobiography, Karuku. अब ये भी हमें नहीं बताया था, हम वो चीज हटा कर ठीक है सिंपली लिख सकते हैं. She also holds an honorary doctorate degree. Next, she is regularly invited by Indian and foreign universities to lecture at various conferences. Now, this was given to us, and she is a multifaceted personality. यानी उनके पास बहुत सारी qualities हैं, and is a woman with extraordinary courage. Now, these are some points जो आप वहाँ से conclude कर सकते हैं, because she is a social activist. She has a keen eye for beauty in nature, profound insight into issue pertaining to caste, religion, and women. Social activist है तो obviously इन चीजों के बारे में तो उन्होंने लिखा ही होगा. Something that is very obvious. She has a clarity of thoughts and expression. She is dedicated to the upliftment of the downtrodden, यानी oppressed जिनके साथ बुरा हुआ है, and is passionate about teaching. And her mission is to build a casteless society. ठीक है, तो आप यहाँ से कुछ बहुत हटा के अपने आप से भी लिख सकते हैं. That she is a very creative writer who has a keen interest in nature, and she how on her works, you know, her passion for society, for the injustices, you know, done prevailing in the society is shown very evidently. She is an inspiration to a lot of women and is a voice for all of those people who have been oppressed by the other people in the society. तो ऐसे words आप अपने हिसाब से बना सकते हो, you know, on the basis of the hints that were given to you, ताकि ऐसा ना लगे आपने सिर्फ और सिर्फ hints को ही use करा है. हल्का सा बस हम हेर-फेर करेंगे और उन्हीं चीजों को घुमा फिरा के कहेंगे जो हमें hints में दी गई है, but it will still make our descriptive paragraph look a little bit different. Alright, moving ahead to the next one, ठीक है? Now we have to write a descriptive paragraph on how you spent your last Sunday or a visit to a zoo. ठीक है, in about 100 to 150 words on the following inputs. ठीक है, अब यहाँ पर आपको जगह को describe करना है. ठीक है कि जहाँ पर आप zoo पे गए थे. So you have to mention the name, location, time. ठीक है, different water words that you watched. Monkeys, apes in the cages, ferocious animals in enclosures, other animals and birds, snakes and reptiles in glass enclosures, elephants ride, tigers return, and how you like the zoo. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ hints given है, but obviously you are, you know, free to add your
इनपुट टू हियर एज वेल, क्योंकि यहाँ पर अब ऐसा कुछ नहीं कि एक स्पेसिफिक जू के बारे में लिखना है, यहाँ पे आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है. यू कैन टेक यू नो हाउ योर फादर प्लान्ड इट एज अ सरप्राइज फॉर यू गाइस, ठीक है, एंड देन यू वेंट देयर टुगेदर एंड हाउ मच यू एंजॉयड इट. या इसके अलावा भी यू कुड मेंशन यू नो हाउ यू प्लान्ड अ लिटिल पिकनिक ऑन टॉप ऑफ इट, और हाउ यू हैड अ यू नो स्पेसिफिक एक्सपीरियंस विद वन ऑफ द एनिमल्स, यू नो, और हाउ यू कुड राइट यू नो हाउ यू फेल फॉर सम एनिमल्स हु वर केज्ड इनसाइड एंड यू विश्ड यू नो दे वर फ्री आउट देयर इन द जंगल. सो आप अपना यहाँ पे आराम से इनपुट दे सकते हो. सो प्लीज फील फ्री टू राइट योर इनपुट, टू राइट योर ओपिनियन, टू राइट योर फीलिंग्स, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स इज ऑल अबाउट दैट, कि आप अपने थॉट्स को कितने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस और लिख सकते हो. Alright, now let's have a look at the answer. Zoo. ठीक है, अगेन हमने एक टाइटल दिया है, टाइटल देना मत भूलना. A visit to the zoo. Zoo is a place where animals and birds are kept in cages or enclosures in their natural surroundings. Last Sunday, I had a chance to visit the Delhi Zoo. After buying the tickets, we entered the zoo. The water birds, ducks, cranes, storks, kingfisher, etc. वॉटर बर्ड्स आपको दिए थे ना, वहां पर आप दो तीन अपने आप से नाम दे सकते हो, जिनमें से डक्स, यू कैन से स्वॉन्स, यू कैन से हेरॉन्स, ठीक है, जो आपके नाम इजीली पता हो. स्विमिंग इन द वॉटर कैनाल welcomed us. Some of them were perching on a tree. We moved to the cages of monkeys and apes. They made faces at us. Then we came to the enclosures of the ferocious animals like tigers, lions and leopards. ठीक है, फिर बारी आई जंगली जानवरों की. The lion was sleeping under a tree in its enclosure. The tigress was playing with her cubs. अब इसके अलावा आप और कुछ भी बोल सकते थे. You can simply say, you know, the lion and the tigers, they were present in the cages and I felt really bad seeing them like that. And I wish they were, you know, instead roaming around free in the jungle or in their natural habitat. तो आप अपने ओपिनियन देना यहाँ पे, ठीक है? The dancing peacock looked beautiful. The area of the zoo is quiet vast. By 5 p.m., we were tired and hungry. We had some snacks and tea in the canteen and returned back home. Watching live animals and birds was a great fun. So how, you know, the experience was for you, आपने वो चीज मेंशन करी और आपने अपना पैराग्राफ को कंक्लूड कर दिया. देखो, आपको पता चल रहा होगा अभी तक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू राइट, ठीक है. ऑल यू नीड इज अ फ्लेयर फॉर राइटिंग. आपको एक राइटिंग का तरीका आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप स्टार्टिंग कैसे करोगे, एंडिंग कैसे करोगे, एक के बाद कौन सी दूसरी चीज लाओगे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एप्स की पहले बात करी है, फिर आप फिरोशियस एनिमल्स में चले गए, उसके बाद दोबारा आप एप्स के बारे में लिख रहे हो. अगर एक चीज के बारे में लिख रहे हो तो उसको प्रॉपर कंप्लीट करो, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट, ठीक है. तो एक लॉजिकल स्ट्रक्चर दिखना चाहिए उस पैराग्राफ में. दैट्स ऑल यू नीड. ऑलराइट, चलिए देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ठीक है. नाउ वी हैव टू राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन द एनुअल डे ऑफ योर स्कूल और द प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इन अबाउट 100 टू 150 वर्ड्स. वन मोर थिंग, आपको हमेशा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में आपकी वर्ड लिमिट गिवन होती है, व्हिच इज यूजुअली 100 टू 150 वर्ड्स. ट्राई टू राइट योर एंटायर पैराग्राफ विद इन दैट वर्ड लिमिट, डू नॉट गो बियॉन्ड इट, बिकॉज देखो इससे तो आपका एक टाइम बहुत ज्यादा खर्च होगा, ऊपर से आपको मतलब और ज्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है, विच इज नॉट वर्थ इट, बिकॉज टीचर इज गोना गिव 5 मार्क्स टू एनीवन हु इज रिटन बिटवीन दिस वर्ड लिमिट एंड टू यू एज वेल हु इज रिटन लाइक लेट्स से 200 टू 250 वर्ड्स. तो एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं है. डोंट डू हार्ड वर्क, डू स्मार्ट वर्क इंस्टेड. ऑलराइट, सो अब यहाँ पर भी हमें हिंट्स दे रखे हैं. सो प्रिपरेशन कैसी कैसी हुई थी एनुअल डे के लिए, अरेंजमेंट्स क्या क्या किए गए थे प्रिपरेशन में. यू कैन मेंशन अबाउट द डेकोरेशंस, यू कैन मेंशन अबाउट द रिगरस प्रैक्टिस ऑफ द स्टूडेंट्स डेली. फिर अरेंजमेंट्स में यू कैन मेंशन, यू नो, देयर वाज अरेंजमेंट फॉर द रिफ्रेशमेंट, देयर वाज, यू नो, अरेंजमेंट फॉर द साउंड सिस्टम, ठीक है. एवरीथिंग वाज, यू नो, एट देयर प्लेस फॉर चीफ गेस्ट एंड द प्रिंसिपल. Who was the chief guest? कौन chief guest आया था? Now it is up to you. आप किसी भी XYZ person को mention कर सकते हो. How you welcome the guest? Maybe with a bouquet of flowers. ठीक है? Annual report by the principal. उसके principal sir आई या ma'am आई. She gave the annual report. ठीक है? How everyone has performed? What were the different events that were organized during the entire year? Cultural program. ठीक है? इसके में you could mention there were different dances that were performed by different you know students of classes. You know, all it was also followed by some group singing, you know, your group song, something like that. Then uske baad there was prize distribution that was done. Theek hai, so everyone was applauded for their great performance and, you know, as I said, prize distribute kara gaya tha. Then there was a speech by the chief guest who really appreciated the arrangement and the entire function and, you know, some of the performances which stood out for him or her.
Next, उसके बाद the light refreshment was distributed for the chief guests along with all the students and the parents present over there. And how you felt about the function, whether you enjoyed the function, whether you received the prize or not, you know, was it memorable for you? Was it something that you know, जो आपके साथ बहुत time तक रहने वाला है, तो ऐसे आपको पूरा का पूरा अपना paragraph को frame करना है, alright? Chaliye, now let's have a look at the answer. Now again we have given up an appropriate heading to our paragraph, which in this case is the annual day of your school. So the annual function of a school was celebrated on the 21st September. सबसे पहले हमने डेट बताई कि कब उसे सेलिब्रेट करा गया था. Preparation started long before the due date. On the 21st September, the school gave a festive appearance with a big pandal. वेल अरेंज सीट्स, ठीक है, तो क्या क्या प्रिपरेशन थी. पंडाल स्टेज को अच्छे से प्रिपेयर करा गया, सीट्स थी, इट वॉज टेस्टफुली डेकोरेटेड. और चीफ गेस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या बात है, अराइव्ड एट एग्जैक्ट 10 AM. आवर प्रिंसिपल एंड अदर ऑफिसर्स वेलकम्ड हिम. द बैंड वाज प्लेड एंड द स्काउट्स सैल्यूटेड द गेस्ट. ठीक है, तो कैसे एंट्री हुई, हाउ यू नो वेलकम योर चीफ गेस्ट. आफ्टर वंदे मातरम द लैंप वाज लाइटेड बाय द चीफ गेस्ट. सरस्वती वंदना फॉलोड. The principal welcomed the guest with the bouquet of flowers and with words. Then he read the annual report. It reflected the achievements of the school. A short cultural program was staged. The prizes were given away by the chief guest. Then the chief guest addressed the students and the teachers. She congratulated them on their achievements and excellent results. After a vote of thanks, the guests were given a light refreshment. The function ended at 1 PM. It was a grand function, memorable for me because I had also got 4 prizes. ठीक है, तो अगेन आपने प्रॉपर कंक्लूजन दिया है, वेर यू आर मेंशनिंग कि आपके लिए फंक्शन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, एंड व्हाई वाज इट गुड फॉर यू, बिकॉज यू गॉट 4 prizes. सो सी, ठीक है, कैसे हमने हिंट्स को यूज करा, बट एज इट इज उसको नहीं कॉपी कराए. ठीक है, उसकी मदद से सेंटेंसेस जरूर फ्रेम करे हैं, बट वी हैव गिवन आवर एडिशनल पॉइंट्स एंड इनपुट्स, जिससे ऐसा लग रहा है कि हमारा भी कुछ योगदान था उस डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ को लिखने में. सो दिस इज हाउ यू हैव टू फ्रेम अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ. All right, kiddos, now Paksha Party, it's time for some tips that can actually help you score full marks in this question. So, bhai, सबसे पहले give vivid description, यानी ऐसा description जो कि बंदे को imagine करा दे. ठीक है, जैसे कि हमने देखा, अगर हम लोगों ने you know event को describe करा, हमने decoration बताई, हमने exactly एक चीज बताई क्या हो रहा है, person को describe करेंगे तो उसकी characteristics, qualities, features, place को describe करेंगे तो place कहाँ पर है, कैसा environment है, कैसा weather है, what are the specialities, ये चीज आपको बतानी है. There should always be an interesting start to the descriptive paragraph. ठीक है, कि कब हुआ, कैसा हुआ. Make sure you're using some good vocabulary at least in the beginning, जिससे teacher को, examiner को मन करे कि वो आपका पूरा paragraph पढ़े. Remember this thing, first impression is the last impression. Write the paragraph in an organized way, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने स्टार्टिंग कर दी, फिर आप कोई और चीज बोल रहे हो, फिर बाद में आप उसे किसी और से रिलेट कर रहे हो. आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ ऐसा लगना चाहिए जैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड है, एक लाइन दूसरे पे लीड कर रही हो. जैसे कि हमने अपने जू वाले पैराग्राफ में देखा, अगर हमने एप्स की बात करी तो एप्स के बारे में पूरा लिखा, फिर हमने दूसरे एनिमल्स की बात करी, अगर हम वाटर बर्ड्स की बात कर रहे हैं तो उसी के बारे में डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, बाद में किसी और चीज का रेफरेंस नहीं देना है. Summarize your opinion about the topic. अपने conclusion में always mention करो how your experience was, how the person impacts you, how you find the place, and always have a proper conclusion for your descriptive paragraph. Conclude it with your opinions, conclude it with your experience, conclude it if you're going to recommend this place to someone or not. ठीक है, बस इतना ही करने की जरूरत है. Now guys, there are some things that you should remember, जो बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, they end up losing marks because of that. सबसे पहले stick to the word limit, please. आपने देखा आपके हर descriptive paragraph के question के लिए आपको 100 to 150 words की word limit दी गई थी. Stick to that. Teacher is not gonna award you extra marks for writing extra. Rather, you're going to lose out on your precious time, which you can dedicate to some other question.
तो अपने बात जो टाइम है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो, इस तरीके से डिवाइड करो कि आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ को विद इन वर्ड लिमिट एंड विद इन योर टाइम लिमिट आप अच्छे से लिख सको. नेक्स्ट, फोकस ऑन द इंसिडेंट, प्लेस और पर्सन. ठीक है, उसमें इतना बहुत ज्यादा मत खुल जाना कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना ओपिनियन अपने वही दे रहे हो कि आपका क्या इनपुट था, आपका एक एक्सपीरियंस था. स्टिक टू द प्लेस, टेल यू नो, स्टिक टू द मेन टॉपिक, जहां पर आप उस प्लेस को, उस पर्सन को, उस इवेंट पर ज्यादा फोकस करो रैदर देन फोकसिंग ऑन योर ओन सेल्फ. Give an appropriate title. Always give an appropriate title to your descriptive paragraph, because there are a lot of teachers जो इसके लिए भी number काट देते हैं. So if your teacher, you know, insists on giving an appropriate title, do not miss out on that. All right? Okay, bachcha party. So now it's time for homework question. मतलब कितनी जल्दी हमने सब कुछ कर लिया ना. So bachcha party, आज का homework question आपके लिए ये रहा. Some information about the Teacher's Day celebration is given on the next page. Use the information to write a descriptive paragraph about 100 to 150 words. So, 100 to 150 words mein aapko apne Teacher's Day celebration ke baare mein batana hai, which actually happened very recently. So, Teacher's Day celebration. Students, what did the students wear on that day? Sarees, you know, there are a lot of schools jahan par jo bachche hain, wo teachers ki tarah pretend karte hain and then they take classes instead. Next, how you decorated the entire school, theek hai, whether the school organized it or there was something, you know, special that children organized, there were little performances that children could perform, or how you included teachers in that, there was a party, you gave cards, gifts to the teacher and principal. Next, all played games. What are the different games that you organized for your teachers? Could be musical chairs, or could be, you know, different competition, a lemon and spoon race, something like that. Next, you danced, you enjoyed yourself thoroughly, and at the end, how you cut a cake and how you celebrated your teachers. ठीक है, how, what importance do they hold for you and how you thanked all of them, you know, for everything that they do for you every single day. ठीक है, तो इसको आपको mention करना है within 100 to 150 words in the comment section below, so that I can pick your names from there for homework home runs. And kids, please, अब मैं आ रही हूँ आपके पास परसों विथ वन शॉट ऑन ग्रामर का मॉडल्स एट 6 PM. सो डू नॉट मिस आउट ऑन दैट सेशन. यू विद इन 20 मिनट्स आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द इम्पोर्टेंट रूल्स, ऑल द इम्पोर्टेंट मॉडल्स दैट यू नीड टू रिमेम्बर फॉर योर एग्जाम. सो गाइज प्लीज, सारे के सारे सेशन अटेंड कर रहे हैं. All right, and Bachcha Party, like I told you, the Telegram channel ka link is present in the description box for all the BDS reminders and PDFs and notes and whatnot. And if you would like to reach out to me personally, then this is my Instagram handle. Feel free to ping me over there as well. And your teachers are working really, really hard for you. Sabne apne apne short channels khole hain, fir chahe Abhishek sir ho, fir chahe Rachita ma'am ho, fir chahe Surbhi ma'am ho, Kuldeep sir ho, ya Kushbu ma'am. Sab apke subjects ko 60 seconds ke andar andar complete kara rahe hain. Sara syllabus. So what are you waiting for all those amazing tips and tricks and revision strategies? Make sure you subscribe to all those channels as well. Sabke links description box mein. And guys, before you leave, if you enjoyed this video and found it helpful, then make sure that you hit the like button. Do not forget to subscribe to our channel as well and share it with your friends. So guys, bye-bye. Hasta la vista. Phir milenge. Parde parde.